देखिए कि जीवन में ना गम भी बहुत जरूरी है, दर्द भी बहुत जरूरी है, ठोकरें भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ते हैं। जब सोना तभी तपता है ना, उसको जितना तपेगा उतना ज़्यादा वो चमक आएगी उसमें, हीरा भी वैसे चमकेगा। तो हमारे जीवन में मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें ना हमेशा चलते रहना चाहिए। कि इस पे दो चार लाइनें हैं मेरी, देखिए कि कुछ तो गम भी हसीन होते हैं, कुछ तो गम भी हसीन होते हैं, जिंदगी की जमीन होते हैं। कुछ तो गम भी हसीन होते हैं, जिंदगी की जमीन होते हैं। मतलब ये है कि हमें गमों से दर्दों से नहीं घबराना चाहिए, वो हमें निखारेंगे। और मतलब असली हमारी जमीन वही है। सब पुराने विचार हैं लेकिन देखने में नवीन होते हैं। एक बात यह है कि गीता में जो संदेश आपको ज्ञान दिया गया है ना, वो ही हम दोहराते हैं। जितने लोग हम सारे अपने जीवन में आते हैं और कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, जितने भी गुरु हमारे बीच में आते हैं, उन्हीं विचारों को दोहराते हैं हम, गीता के जो जितने विचार होते हैं। इसीलिए कहा है कि सब पुराने विचार हैं लेकिन देखने में नवीन होते हैं, और भक्ति से शक्ति लाते हैं हनुमान। भक्ति से शक्ति लाते हैं हनुमान, राम सीता अधीन होते हैं। कि राम सीता भी हनुमान के अधीन हो जाते हैं, जो वो उसकी भक्ति की शक्ति है। कि भक्ति से शक्ति लाते हैं हनुमान, राम सीता भी अधीन होते हैं, और राम आकाश के समानार्थक। मतलब आकाश कितना बड़ा है, राम भी उसके समानार्थक है। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि राम आकाश के समानार्थक, जो समझ ले प्रवीण होते हैं। अब जो राम को समझ ले, आकाश को समझ ले, वो प्रवीण हो गए। और लोग मजबूरियों में देखेंगे, एक अलग हटके शेर आ जाता है इसमें, कहीं गजल में ऐसे होता है, हर शेर का अपना मीनिंग होता है, उसका वजूद अपना होता है। कि लोग मजबूरियों में देखेंगे, फिल्म में ऐसे सीन होते हैं। आज के दौर के जो फिल्में होती हैं तो उनमें देखने को मिलता है ऐसा, कि लोग मजबूरियों में देखेंगे, फिल्म में ऐसे सीन होते हैं। एक शेर इसमें देखिएगा, देखिए शब्द हिंदी उर्दू के, मैं इसमें जानकर दूंगा एक शब्द की, बस मीनिंग भी बताऊंगा आपको, और कुछ नहीं है। कि देखिए शब्द हिंदी उर्दू के, श्रोता ही सामीन होते हैं। सामीन श्रोता भी बोलते हैं, कि श्रोता ही सामीन होते हैं, और लोग सुविधाओं के चक्कर में धीरे धीरे मशीन होते हैं। लोग सुविधाओं के चक्कर में धीरे धीरे मशीन होते हैं। और एक आखिर में हम बोलते हैं, उसको मक्ता बोलते हैं गज़ल में, जिसमें कवि अपना नाम लेता है, कि शायरी से नहीं सुजान जी, शायरी से नहीं सुजान जी, लोग काम से नामचीन होते हैं। लोग काम से नामचीन।